निराकार होते हैं वो भी इसमें जुड़े रहे, और जो ये मानते हैं कि भगवान ने अवतार लिए थे वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण है कि मर्यादाएं क्या होती हैं, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से बहुत गरीब सर्वहारा वर्ग का सहयोग लेकर के रावण का संहार किया है, किस प्रकार से जंगल में रहने वाली एक भीलनी के हाथ के बेर खा करके राजकुमार होते हुए भी अपनी क्षुधा मिटाई है और उनका स्मरण रहा, इसलिए राम राज्य में उन्होंने आर्थिक विषमता नहीं आने दी क्योंकि उनको शबरी याद थी, उनको केवट याद था, उनको निषाद याद था, भाई की लात अपनी छाती पे खाया हुआ विभीषण याद था, इसलिए वो अपनी प्रजा की भावनाओं का बहुत सम्मान करते थे कि रावण ने अपने सगे भाई की बात नहीं मानी थी, जब उसने सुझाव दिया था तो उसको लात मारी थी विभीषण को, निकल जा मेरे राज्य से बाहर, जो अपने राज्य में अपमान करेगा अच्छी सलाह देने वाले का वो रावण का राज्य हो सकता है, राम का राज्य नहीं हो सकता, इसलिए राम राज्य की कल्पना आती है फिर सामने युवा पीढ़ी के लिए कि राम राज्य एक आदर्श राज्य है जिसमें शासन में बैठे हुए व्यक्ति को अपने चरित्र का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करना है, उस पर भ्रष्टाचार